जी अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अज दी हांडी। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से कर लीजिए। जी आज हम आपके साथ जो वीडियो शेयर करने चाह रहे हैं, इसमें हमने मूंग की और मसूर की जो धुली हुई दाल है इनको हमने बनाया है। आलू डाल के हमने ये दाल तैयार की है, बहुत ही अच्छी और जल्द बनने वाली रेसिपी है। तो जिसके लिए हमने दो टमाटर लिए हैं, एक मीडियम जो है प्याज लिया है, दो हरी मिर्चें लिए हैं और एक चम्मच जो है लहसुन अदरक का पेस्ट हम बनाएंगे। और यहाँ पर जो है तीन मीडियम साइज़ के हम आलू यूज़ करेंगे। तो जी सबसे पहले दाल को हमने भिगो के रख लिया है और अब जो है हम एक पैन के अंदर जो है किसी भी पतीली के अंदर हम दो ग्लास पानी डालेंगे। एक कप हमने मूंग की दाल ली है और एक कप हमने मसूर की दाल ली है, धुली हुई हैं दोनों दालें, तो उसके लिए जो है इतना पानी मुनासिब रहेगा। और जी अब जो हमने धो के भिगो के थोड़ी देर के लिए दाल रखी थी वो हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। और जी हम इसके अंदर स्पाइसेस डालेंगे। एक चम्मच हमने नमक डालना है, एक चम्मच हम कुटा हुआ धनिया लेंगे, एक चम्मच हमने लाल मिर्चें ली हैं और आधा चम्मच जो है हमने हल्दी का डाला है। और इसके साथ ही जो हमने एक प्याज लिया था उसे हमने बड़ी चॉप कर लिया है, टमाटर जो दो थे उन्हें भी हमने काट लिया है और लहसुन अदरक का हमने पेस्ट बना लिया है एक एक चम्मच। वो सारी चीज़ें जो हैं अब हमने दाल के अंदर ऐड कर दी हैं और एक दफ़ा जो है हम इन्हें बड़ा अच्छा सा मिक्स कर लेंगे और उसके बाद जो है हम इसको कवर करके पकाएंगे ताकि दाल जो है गल जाए। ये देखिए दाल को जो है 7-8 मिनट हो गए हैं पकते हुए, तो दाल जो है काफ़ी अच्छे तरीके से जो है गलना शुरू हो गई है। तो दोबारा इसे जो है हम कवर करके रख देते हैं और 5 मिनट के बाद इसे दोबारा चेक कर लेते हैं। ये देखिए अभी भी जो है दाल गल रही है। बहुत ही आसानी से ब्रेड बग़ैर प्रेशर कुकर के आप इसे पका सकते हैं। तो जी जो आलू हमने तीन मीडियम साइज़ के लिए थे उन्हें हमने इस तरह से काट लिया है, अब वो हमने इस पॉइंट पर आके इसके अंदर ऐड कर दिए हैं। दाल में अभी हल्की सी कसर है, अभी गली नहीं है, थोड़ा सा इसमें टाइम है और वैसे भी अभी इसके अंदर पानी है, तो जब तक ये हमारे आलू गलेंगे दाल भी बहुत अच्छी सी जो है मिक्स हो जाएगी। तो अब जी इसे हम दोबारा हल्की आँच पर हमने पकना रख दिया था। ये देखिए हमारे जो हमने आलू डाले थे वो भी गल गए हैं और दाल जो है बड़ी अच्छी सी मिक्स हो चुकी है, दाल जो है तैयार हो गई है। अब जी आ गया है इसको जो है हम बंद कर देते हैं और अब टाइम आ गया है कि दाल को तड़का लगाए, तो चलिए ये तड़का लगाते हैं। यहाँ पर जो है हम इसके अंदर तकरीबन 2 चम्मच जो है हमने ऑयल के ले लिए हैं और इसके अंदर जो है हमने 2 जो जोए हैं लहसुन के उन्हें बारीक चॉप करके वो हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। और जो है एक चम्मच हमने ज़ीरा लिया है और थोड़ी सी जो है हम लाल मिर्चें लेंगे और इसी तरह हम एक जो है बारीक हरी मिर्च जो है उसे हमने बारीक करके वो भी हम इस तड़के के अंदर डाल देंगे और इन्हें हम थोड़ा सा जो है ब्राउन कलर कर लेंगे। तो जी हमारा तड़का रेडी हो गया है, टाइम आ गया है कि इसे दाल के अंदर डाल दें। तो चलिए जी देखिए इतनी प्यारी स्मेल आ रही है, जब भी दाल को तड़का लगता है बहुत प्यारी सी स्मेल आने लग जाती है, पूरी खुशबू जो है किचन में महक गई है। चलिए सर्विंग प्लेट में डाल देते हैं। जी अगर आपको हमारी ये मूंगी और मसूर की आलू वाली दाल की रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा जो है इसे शेयर कीजिएगा और हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।